ठंग 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 ऐसे मार। उसके बाद सोचने के लिए बस दो दिन ही रहता है, एक साइड से गेहूं निकलेगा एक साइड से भूस निकलेगा। माँ जी ने सेंटेंस भी बनाया है हिंदी में। और वेलकम जी, आप सबका स्वागत है आज के इस नए ब्लॉग में। तो आज के सीन्स कुछ ऐसा है कि कल मैंने लगा दिया था कप सिरप का एक घूट, बड़ा घूट, छोटा घूट नहीं बड़ा घूट। तो उसके बाद अपना सिर तो ठनक गया था, एकदम चक्कर वक्कर आ रहे थे, हल्के फुल्के नींद वींद मस्त आ रहा था, मजा तो आ रहा था, झूठ तो नहीं बोलूंगा, मजा तो आ रहा था बिल्कुल। लेकिन सोने के बाद, उठने के बाद, जगने के बाद अपना सिर हो गया एकदम खराब, मतलब सिर दुख रहा है बहुत तेज सुबह से एकदम, मतलब ये साइड नहीं होता, ये साइड खोपड़ा एकदम ठंग 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 ऐसे मार रहा है, लग रहा है कि कोई पीछे वो घंटी बजा रहा है, मंदिर में नहीं बजा रहा है, टंग 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 वही वाला सीन हो रहा है, एकदम टकला दुख रहा है। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ आज ये है कि मम्मी इतने दिन से पढ़ाई कर रही है, तो आज है मम्मी का टेस्ट, क्लास टेस्ट, मंथली टेस्ट, स्कूल टेस्ट, जो बोल दो, होम टेस्ट, जो भी टेस्ट बोल दो, आज है टेस्ट। तो अभी थोड़ी देर में मम्मी की ट्यूशन मास्टर आएगी, 11 बजने वाले हैं, तो मम्मी अंदर प्रिपेयर कर रही है, पढ़ाई वढ़ाई कर रही है थोड़ा, तो उसका अपडेट भी देंगे, जरूर देंगे। और एक तो यहाँ के मेडिकल स्टोर वाले भैया बड़े अच्छे हैं, उनका दिल बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, वो होलसेल में जब भी कुछ लेने जाते हैं ना होलसेल मार्केट में, तो अगर कुछ चीज़ उनको दिखता है जो एक्सपायर हो रहा है, एक्सपायर होना मतलब 2-3 महीने बचे हुए हैं, तो वो सामान उठा के लाते हैं, उन्हें फ्री में देते हैं। जैसे कि ये दिया कल हमको, मैं गया था सिर दर्द का दवाई लेने के लिए, तो मेरे को सैनिटाइजर फ्री दी थे, इसका 2 महीने का एक्सपायरी बचा हुआ, तो इसको यूज़ करने का मस्त। और भी है पढ़ा हुआ वहाँ पे, वो जो आता है उनको दे देते। और मम्मी यहाँ पे पढ़ाई कर रही है, कितना प्रिपरेशन हुआ टेस्ट के लिए? कल ही बोल दिया था फेवरेट टेस्ट है, और के कल राज में कितना होता है सोचो। आग लगा देगा फिर आज एकदम। गुड मॉर्निंग, ये लिखा है गुड टू सी यू, KMED मेड मिच, यू मेड माय डे, यू यू मिच मतलब पता नहीं है ना मेरे को, कल बता रहा था मेरे सामने लेकिन मैं भूल गया, खाली उतना बोलने से नहीं होगा ना। कोई नहीं कोई नहीं, आने तो कंप्लेन करेगा ना, हम कंप्लेन करेगा, टेंशन मत लो। नहीं नहीं, वो तो हम कर लेगा। अरे रे रे, कोई नहीं। A few moments later. ऐसे बचपन में नहीं होता था कि जब टेस्ट होने वाला होगा और थोड़ा सा टेस्ट डिले हो जाए, 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए 1 घंटे के लिए 5 मिनट के लिए भी, तो दिल को बड़ा सुकून मिलता था कि चलो भाई 5 मिनट का समय है, थोड़ा और पढ़ लेंगे हम लोग, थोड़ा और कुछ कर लेंगे। तो वही सेम सीन हुआ मम्मी के साथ कि टेस्ट थोड़ा सा डिले हो गया, ट्यूशन मास्टर पहले दिन में आ जाती है, अब बोले कि शाम को आऊँगी, क्योंकि उनके पेरेंट्स थोड़े बाहर गए कुछ काम से, तो मम्मी को क्या होना चाहिए, चलो पढ़ाई करेंगे, 5 मिनट एक्स्ट्रा आया है, 10 मिनट एक्स्ट्रा आया, लेकिन नहीं, एक इंसान क्या करने आया, फूल देखने आया, अपने फूल, क्योंकि मम्मी के फूलों को खा रहा है कोई कीड़ा, कीड़ा खा दिया यहाँ पे, गया पत्ता वत्ता एकदम कर दिया है खत्म, पेड़ हो गया है नंगा, देखो पूरा खा के बस बचा है फूल, ये फूल भी बस खिलने के लिए रुका है, खिलते ही ये भी उड़ जाएगा। यहाँ पे दिखाता हूँ मैं एक एग्जांपल, यहाँ पे था ये देखो, ऊपर से पूरा छिल के रख दिया एकदम, मतलब चाकू से काटा जैसा एकदम कुछ, एकदम प्लेन कर दिया। तो अब यही है इन सारे फूलों के लिए, अब थोड़ा दवाई लाना है, दवाई छिड़कना है सब पे थोड़ा 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 थोड़ा, कि मतलब थोड़ा सा जान में जाना है इनके भी, ये भी तंदुरुस्त हो हमारी तरह, पेट वेट जैसे हमारा निकल रहा है, इनका भी थोड़ा पत्ता होता खिले, इनमें भी जान निकले खिले। नहीं, लेकिन गारंटी नहीं है, फूल मरे पत्ता मरे और कीड़ा मरे, हाँ वो नहीं लेना तो है दवाई, कुछ भी मरे। तो अभी जस्ट सो के उठे, उसका हर दिन क्या होता है सो के उठने के बाद, ये थोड़ा खाना खाने के बाद, रेस्ट करने के बाद, कि उठ के चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, उसके बाद थोड़ा 2-3 घंटे के बाद या 1-2 घंटे के बाद में जाता हूँ जिम। लेकिन आज है संडे, तो आज है थोड़ा अलग करने का दिन, कुछ अलग करने का, क्योंकि ऑफिस नहीं है, जिम भी नहीं है, तो सोचा कि आज मिल्क शेक पियेंगे, लेकिन ऐसा वैसा मिल्क शेक नहीं, मिल्क शेक को थोड़ा सा एक लेवल ऊपर, एक लेवल महंगा। नॉर्मली हम लोग कौन सा वाला मिल्क शेक पीते हैं, 30 रुपए वाला, लेकिन मैं आज उसको बना देगा 80 रुपए वाला। घर पे 2-3 माल मसाला है मेरे पास, जिससे उसका रेट ऐसा बढ़ जाएगा। तो मम्मी किचन में अपना काम कर ही रही है, वैसे तो 2 केला था घर पर, तो मिल्कशेक बनाने के लिए तैयार था, ठीक है। तो थोड़ा देर पहले मैंने बोला कि चलो मिल्कशेक बनाते हैं, टाइम हो गया रिकॉर्ड करने का, तो पापा आते हैं, हैं क्या कर रहे हो, क्या बना रहे हो, मैंने बोला मिल्कशेक, तो बोलते हैं केला है, मैं बोला हाँ 2 है ना, तो बोलते एक तो मैं खा गया। तो ये नॉर्मल मिल्कशेक है, बस इसमें थोड़ा आइसक्रीम डाला जा रहा है और 1 चम्मच अपना वे प्रोटीन डाला जा रहा है, बस बाकी सब तो सेम ही है, बाकी सब माल मसाला में कोई अंदर नहीं, दूध डालो उसमें, बस हो गया। अब इसको मिला के घुमा दो, इतने में कुछ पीसेगा भी नहीं यार मम्मी, आइसक्रीम डाला है ना उसमें, वो गल जाएगा नहीं अंदर से, कुछ गला देखते हैं कितना गला, चलो ठीक है मम्मी 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 है। तो मिल्कशेक बन के तो तैयार हो गया, अच्छा बना, सही बना, ज्यादा मीठा नहीं, ज्यादा नॉर्मल भी नहीं। मम्मी बोल रही कि ज्यादा गाढ़ा भी नहीं हुआ, मैं बोला कि 1 केला ही था उसमें, गाढ़ा होने का मौका तो मैं दिया नहीं उसको, तो गाढ़ा कैसे होगा बेचारा, गाढ़ा होने से स्वाद भी नहीं होता, यही स्वाद है, परफेक्ट। तो कोई घर पे बनाना चाहता तो बना सकता है, प्रोटीन पाउडर तो सबके साथ नहीं होगा, लेकिन आइसक्रीम डाल के बना सकता है, वो भी अच्छा होगा, आइसक्रीम का स्वाद तो ही रहेगा, थोड़ा सा और मन करे तो कोकोआ पाउडर डाल देना, काम कर जाएगा। और मैं ये बोल रहा था, एक मिडिल क्लास आदमी जो घर के रेस्पॉन्सिबिलिटी संभालता है और एक प्रॉपर जॉब करता है,
उसके बाद सोचने के लिए बस दो दिन ही रहता है, संडे और सैटरडे। पांच दिन तो उसका रेगुलर शेड्यूल चलता है कि अपना ऑफिस किया, ऑफिस खत्म हुआ, जिम गया तो जिम गया, नहीं तो नहा धो के थोड़ा सा कुछ फोन में बात करेगा, फिर खाना वाना खा के सो जाएगा, फिर दूसरे दिन दोबारा काम करने बैठ जाएगा। उसके पास बचता है दो दिन, संडे सैटरडे, जिसमें वो थोड़ा ज्यादा सोचता है, दिमाग खुलता है उसके, आज करना क्या है, और उस दिन वो क्या करता है, दारू पीता है। हम नहीं पीता है, पीता है तो क्या गलत है, बोल रहे हैं पीता है तो गलत क्या है, हम पी नहीं सकता, दारू पीना तो गलत ही है, दारू पीना गलत नहीं क्या, पीना भी पिलाना, दारू पीना इज ओके, अपने पैसों का, अपने बाप का पैसों का नहीं, ठीक है। तो इसलिए मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगा के मिल्क शेक बना दिया, बोले दिमाग के घोड़ा के दौड़ने देना ही नहीं है, रोको रोको, इससे बाहर नहीं जाना, घर से बाहर नहीं जाने, दिमाग का घोड़ा घर से बाहर गया तो गड़बड़, क्या पता क्या कहाँ कहाँ दौड़ क्या जाए साल को घर ऐसे मैं नहीं पीता, ऐसा नहीं, तो बस थोड़ा टहलने निकला, शरीर में जो खाया है बहुत सारा कैलोरीज, तो उसको थोड़ा जलाना भी पड़ेगा, शरीर का 3 ग्राम कम करना पड़ेगा ना, नहीं तो ये कैसे कम होगा। अरे मेरा भी हल्का फुल्का, टेंशन मतलब, लेकिन मम्मी का ज्यादा है ना, बुढ़ापा में ऐसे मोटा मोटा होता है क्या, तो कैसे चलेगा हमें, पतला होने से लगेगा क्या, ऐसे बड़ा होकर पढ़ रहा है तो सब देख रहा है, बुढ़ापा में थोड़ा सा पतला मतलब स्लिम हो जाएगा तो और लोग और देखेगा ना, ऐसे एग्जांपल सेट करना नाम है यार, यार मोटिवेशन लाओ, डेडिकेशन लाओ। और यहाँ पे ये गेहूं वगैरह को कटाई चल रहा है, हाँ वहाँ पे मड़ाई चालू हो गया, यहाँ पे कटाई चालू हो गया, उतना वाला पोर्शन काटना है और कब तक क्या हो जाएगा कोई आइडिया नहीं। और वहाँ पे मशीन चालू हो गया तो गेहूं कटा हुआ डाल रहे हैं, मड़ाई हो रहा है, एक साइड से गेहूं निकलेगा, एक साइड से भूस निकलेगा, और यहाँ पे काटे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, जोश में होते तो पूरा काट देते, लेकिन बाकी सब डर रहे हैं, सबके फट रही है तो नहीं हो रहा। गुस्सा देखो, गुस्सा कैसे हो रहा है, गुस्सा कैमरा में नहीं दिखेगा, बहुत छोटा छोटा है, लेकिन हाँ वो दिख रहा है, आग से तो पास का भी दिख रहा है ना। और यह घर को वापसी, धूल कुछ ज्यादा उड़ रहा है तो घर का अभी दरवाजा खिड़की बंद करना पड़ेगा, तो जल्दी जल्दी दौड़ा दौड़ा हो रहा है। और यहाँ पे चाय पानी लेके मालकिन आते हुए, हाँ अभी जो भी सब लोग काम कर रहे हैं तो सबको चाय वाय दिया जाएगा, थोड़ा सा भूसे के टेस्ट के साथ, कप में थोड़ा सा भूसा का फ्लेवर, और सब लोग बोलेंगे आहा। One eternity later. तो फिर इतने देर से मतलब सुबह से जिस चीज का वेट कर रहा था, ट्यूशन मास्टर ने सुबह गोल मार दिया था, मिस मार दिया था टाइम को, लेकिन अभी शाम को आई और अभी टेस्ट हुआ, थोड़ा मोड़ा मतलब ज्यादा एकदम डीप वाला टेस्टिंग, हार्ड वाला टेस्टिंग वो दिन में होना था, लेकिन कुछ तो हुआ। और कैसा हुआ टेस्ट? अच्छा हुआ, संडे मंडे तो जैसे संडे मार्च ट्यूजडे ये सब बिल्कुल सही लिखा हुआ है, फ्रूट्स नहीं, मैं ग्वावा की स्पेलिंग थोड़ी सी मिस कर दी, और कलर्स में भी कलर भी ठीक लिखे हुए हैं, कलर्स में ब्लैक और ब्लू में थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी, और मैथ में भी सारे डिजिट सही लिखे हुए हैं, और एडिशन में थोड़ा सा वो कर दिया, और मार्टी ने सेंटेंस भी बनाए हिंदी में, हिंदी में, और इंग्लिश में भी चल रहा है सेंटेंस फॉर्मेशन, हिंदी में अब सेंटेंस फॉर्मेशन अगले टेस्ट में होगा। तो फिर ठीक है, इसी अपडेट के साथ आज का ब्लॉग यही खत्म करते हैं, होपफुली आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, ब्लॉग अच्छा लगा तो ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो फट से, टाइम नहीं लगना चाहिए, 2 सेकंड में हो जाना चाहिए, जल्दी जल्दी कर दो, हो गया सारा टाइम नहीं लगना चाहिए, तो तब तक के लिए नेक्स्ट वाले ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक बाय। अपने बाप का पैसा को बिना तुम तो बाप के साथ भी हो, बैठ के भी हो ना, थोड़ी देर के बाद दारू पीके दोनों एक दूसरे को चटा चट फेर रहे तुझे ज्यादा पी दिया, हाँ मैं बाबू मेरे से ज्यादा तूने पी दिया, ऐसे झटका भी मुंह पलटता है।